हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, हम आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके पहले डियर स्टूडेंट्स, हम आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन पर बेस्ड डियर स्टूडेंट्स, हम आपका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे लेक्चर नंबर 1 या 2 को देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है सर्कुलर मोशन बाय MBR फिजिशियन। ठीक है, अगर आप इस नाम से आप अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में हमारा कोई भी लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो इस नाम से आप सर्च कर लेंगे और टॉपिक का नेम, तो आपको वह वीडियो बिल्कुल YouTube के टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के हेल्प से डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसका सिग्निफिकेंस भी हम आपको समझाएंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक को पढ़ने का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले आपको याद होगा कि हम सर्कुलर मोशन में हमने आपको बताया था कि इसमें जो एक्सीलरेशन होता है, इसमें वेलोसिटी तो होती ही होती है। ठीक है, एक तो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है और एक लीनियर वेलोसिटी होता है, दोनों में रिलेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें डियर स्टूडेंट्स, आपको एक्सीलरेशन भी दो टाइप के बताए थे, एक लीनियर एक्सीलरेशन और दूसरा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन हम आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ पर जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है, लीनियर एक्सीलरेशन भी आपका डियर स्टूडेंट्स, हम इसके पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। लीनियर एक्सीलरेशन आपका हमेशा, हमने बताया था, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन दो होते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन, डियर स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हम आपको इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें से लीनियर एक्सीलरेशन का जो पहला कंपोनेंट होता है वह, डियर स्टूडेंट्स, हम विद द हेल्प ऑफ फिगर आपको, एक तो रेडियल होता है और दूसरा टेंजेंशियल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर चुके हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और दूसरा भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था रेडियल और सेंट्रीपिटल, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, जिसमें डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसे ये यहाँ पर कोई पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर ये अगर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में ही आपका एटी होता है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है, या बिल्कुल आपका रेडियस इसके जो कह सकते हो सेंटर की ओर हमेशा डायरेक्टेड होता है। ठीक है, सेंटर की ओर हमेशा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है AR, जिसको रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो, और ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, AT या AR जो दोनों का डायरेक्शन भी हम आपको सिखा चुके हैं कि इन दोनों का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हो। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जैसे आपका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की अगर दो कंपोनेंट हैं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो फोर्स होगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इस पर जो फोर्स एक्ट होगा वह भी आपका दो होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स, यहां पर आप फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो दो कंपोनेंट में। पहला है आपका टेंजेंशियल और दूसरा है डियर स्टूडेंट्स आपका रेडियल। ठीक है,
रेडियल। तो डियर स्टूडेंट्स टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू एम ए टी होगी, ठीक है, और रेडियल रेडियल फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू एम ए आर होगी, ठीक है। तो यहां पर दो टाइप के फोर्सेस का डिस्कशन हम हमेशा करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मान लो यहां पर जो सर्कुलर मोशन है, अगर हम यहां पर इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इन दोनों की वैल्यू डिस्कस करें, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस केस में जैसा कि हमने आपको बता रखा है, यहां पर लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो लीनियर वेलोसिटी होता है और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है दोनों ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपका भी कांस्टेंट होगा तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो भी होता है, ये भी का जो डायरेक्शन होता है इसी की डायरेक्शन में आपका एटी होता है, ठीक है। अगर भी कांस्टेंट है तो एटी की वैल्यू जीरो है, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एटी आपका जीरो रहेगा, ठीक है, बट ए आर आपका हमेशा प्रेजेंट रहेगा जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर। और डियर स्टूडेंट्स ए आर आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है और ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होती है, और ए आर को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स ए आर जिसको आप सेंट्रल एक्सेलरेशन बोल रहे हो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या ए आर ये दोनों का नाम यहाँ पर डिफरेंट है, बाकी रिजल्ट दोनों का सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका जो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन या ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। जैसे ये पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा, ये यहाँ पर दिस साइड है, यहाँ पर दिस साइड है, यहाँ पर दिस साइड है, तो यहाँ पर जो आपका सर्कुलर या कह सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है या रेडियल एक्सेलरेशन होता है या डियर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है या कह सकते हो कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आर आपका प्रेजेंट रहेगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ आपका जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ टेंजेंशियल, ठीक है, और इन केस ऑफ रेडियल, इन केस ऑफ रेडियल आपका फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एम ए आर, तो ए आर की वैल्यू ये वी स्क्वायर बाई आर होती है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू यहाँ से एम ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने देखा कि एफ जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में जीरो है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर जो कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है टुवर्ड्स टू इट्स सेंटर, ठीक है, क्योंकि ए आर का जो डायरेक्शन होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, या डियर स्टूडेंट्स हमेशा आपका किसके डायरेक्शन में होता है, रेडियस की ओर डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि एफ आपका इन केस ऑफ टेंजेंशियल जीरो है और एफ इज इक्वल टू इन केस ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम एफ सी से डिनोट करते हैं और एफ सी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण
प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारी आती है mv2/r, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों ही रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही इजी है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम, जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता भी है, अगर हम डियर स्टूडेंट्स कुछ दूसरा एजम्पशन ले लें कि जो सर्कुलर मोशन कर रहा है जो पार्टिकल, वो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहां पर जैसे डियर फ्रेंड्स हम सपोज कर लें कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये जो आपका टेंजेंशियल होता है, जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, या फोर्स का कह सकते हो, यहाँ पर हम फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, अगर हम सपोज कर लें कि कोई पार्टिकल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वह परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फोर्स का जो दो कंपोनेंट होगा, एक तो हो जाएगा आपका टेंजेंशियल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका टेंजेंशियल जिसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल का डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्टिकल होगा, ठीक है, टेंजेंशियल का डायरेक्शन यहाँ पर वर्टिकल होगा। और जो कि दूसरा होता है हमारा नेक्स्ट टाइप का, इसमें अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो आपका दूसरा फोर्स इस पर एक्सर्ट होगा वह रेडियल होगा, ठीक है। एक तो आपका टेंजेंशियल और दूसरा रेडियल, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आपका प्लेन जो है डियर फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके फोर्स एक्ट होते हैं उनके भी दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास इसमें भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा टेंजेंशियल या कह सकते हो वर्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा होगा रेडियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। पहला होगा रेडियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा होगा वर्टिकल या कह सकते हो टेंजेंशियल वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। इसको डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये जो हम दो कंपोनेंट बता रहे हैं, जो दो डायरेक्शन बता रहे हैं, ये किसका है, फोर्स का, ठीक है। इसको डियर फ्रेंड्स बहुत ही क्लियरली समझने के लिए आइए एक हमें इसमें एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे आपका यहां पर डियर फ्रेंड्स हम सपोज कर लेते हैं कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप यहां पर जाने कि कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है। कॉनिकल पेंडुलम बहुत ही इजी है, जैसे कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लो जिसका कुछ मास हो, m हो, ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स इसको एक स्ट्रिंग से बांधो, ठीक है, इसको एक स्ट्रिंग से बांधो, ठीक है, और इसको इसका अपर एंड किसी वाल से फिक्स कर दो, और ये फ्री हो या ये फ्री हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कोई पार्टिकल हो और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में फ्री हो मूव करने के लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन करने के लिए ये बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको इसका फिगर मिलेगा, यहां पर ये कॉनिकल पेंडुलम आपका ये हो गया,
ठीक है, ये हम ये आपका हो गया कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहां पर ये डियर फ्रेंड्स हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पर किसी टाइम यहां पर ये आपका पार्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल में, ये जो आप पाथ देख रहे हो सर्कुलर से, ये डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल में ऐसे इस टाइप से होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये आपकी स्ट्रिंग हो गई टी, ठीक है। और यहां पर अगर हम सपोज कर लेते हैं पार्टिकल है जिसका मास एम माने हो, तो इसमें टेंशन टी इस डायरेक्शन में वर्क करेगा और इसका एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल है इसका जो वेट होगा वह डाउनवर्ड एम जी वर्क करेगा, ठीक है। और यहां से डियर स्टूडेंट्स इसका ये रेडियस हम आर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां से ये एंगल अगर थीटा माने हो तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट आपका पी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये कंपोनेंट आपका अगर इसको हम ओ मान लें, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आपका इसको ए मान लेते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ये टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से इस पार्टिकल पर जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सबसे पहला तो mg है और दूसरा यहां पर एक फोर्स टेंशन फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर सबसे पहले तो हम देखें फ्रॉम फिगर, तो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम फिगर यहां से देखें तो t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, ठीक है। और इसका जो डियर स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट होगा ये रेडियल, जिसको हम रेडियल बोल रहे हैं, तो यहां पर ये कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा t sin थीटा, है ना। और t sin थीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर / r, ठीक है। तो t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर / r, यहां पर हम क्यों ले रहे हैं, अभी हमने आपको जस्ट पिछले कॉन्सेप्ट में यहां पर एक्सप्लेन किया था कि डियर फ्रेंड्स यहां पर जो टी साइन थीटा है, जो टी साइन थीटा है या किसको बैलेंस कर रहा है, यहां पर इसके जो रेडियल कंपोनेंट में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको ये यहां पर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां से हम टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टिकल का मास m माने ही, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव करेगा, इसमें लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर / r क्यों लिखे हैं यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और जो t sin थीटा कंपोनेंट है या किसको बैलेंस कर रहा है, या बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर आप चाहें तो भी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। तो यहां से नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी, या इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो t sin थीटा बाय t cos थीटा इज इक्वल टू यहां से हमको मिल जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, ठीक है। तो एम जी बाई 1 सपोज कर लो और इसको रिवर्स कर दो, यहां से टी कैंसिल हो जाएगा, हमको यहां से वैल्यू मिल जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू 1 बाई एम जी, तो एम से एम यहां से कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमको tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा v स्क्वायर / rg, ठीक है।
यहां से बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट आर जी टाइम थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं बी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा, और बी की वैल्यू यहां से अंडर रूट आर जी टाइम थीटा, आर जी टाइम थीटा हो जाएगा, ठीक है, और अपान में आर हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आर जी टेन थीटा बाई आर ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और ये आपका हो गया लीनियर वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसका अगर हमको टाइम पीरियड निकालना हो तो टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, है ना। तो यहाँ से आइए हम इस कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। टाइम पीरियड आपका यहां से t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा से 2 पाई अपान ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू यहां पर अभी अभी हम जस्ट लिखे थे क्या था, अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर था, तो v की वैल्यू ये है, तो v की वैल्यू आर जी टाइम थीटा बाई आर था, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहां से टू पाई ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, तो v की वैल्यू हमको कितनी मिली है डियर फ्रेंड्स, वी की वैल्यू ओमेगा टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर, ठीक है, तो वी बाई आर, ठीक है। अब यहां से इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो टू पाई बाई वन इंटू आर बाई अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ठीक है। यहां से टू पाई इंटू इसको हम लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स अंडर रूट आर अपान अंडर रूट आर, इसको भी अंडर रूट आर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा जी टाइम थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमको वैल्यू मिल गई टू पाई अंडर रूट आर बाई जी टाइम थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमको मिल गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको सिखाया कि कैसे आपका जो रेडियल कंपोनेंट होता है फोर्स का वो बैलेंस करता है, वो बैलेंस करता है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, या कैसे आपका जो फोर्स का रेडियल कंपोनेंट होता है वो एम वी स्क्वायर बाई आर आता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स की सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पर कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना भी क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स अपकमिंग लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग और भी इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।